मुझे ज़्यादा टेल की आदत है नहीं टेल करने की, बट आज और लास्ट राइड में भी मैं टेल कर रहा था, तो आज और लास्ट राइड का ओ माय गॉड इधर बहुत गंदा क्रैश हुआ है। ओ हो एम्बुलेंस भी आई है। ओ शिट ओ शिट ओ ये भी गिर गया अंदर। इज द प्लेस विच आर टॉकिंग अबाउट, इधर बहुत सारे ऐसे मूवीज शूट हुए, बट वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज विच आर शॉट आउट ईयर वो स्वदेश। SRK का बहुत अच्छा उसमें रोल था, वेयर ही शोड द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन कंट्रीज एंड अपने इंडियन कल्चर जो है वो। एंड दिस इज द प्लेस वॉट आर टॉकिंग अबाउट, ये जो है चीज़। तो इसके बारे में पुणे मोटरसाइकिल क्लब और मैं पुणे रिजवेरी और एक व्लॉग लेके आया हूँ आज। एंड आज हम लोग देखेंगे या हम लोग जाएंगे एक ऐसी जगह पे जो जस्ट 95-100 किलोमीटर है पुणे शहर से। एंड आप यकीन नहीं मानोगे बट इधर एक्चुअली स्वदेश मूवी का शूटिंग हुआ है। येस इट इज़ जस्ट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे एंड इट इज़ नॉट वेरी फेमस एंड नॉट वेरी क्राउडी प्लेस एज वेल है। मस्त जगह है एज पर वॉट आई हैव सीन इन द वीडियोज़ एंड इन द फोटोज़। इट इज़ फिल्ड विथ टू मच ऑफ ट्रैंक्विलिटी। पहुँच गए हम लोग इधर अपना मीटअप पॉइंट पे। ये अपने राइडर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो आई एम गोइंग टू टेल, ही इज़ गोइंग टू फ्लाई और ये अपना लीड है आज का। तो पहले तो हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुकने वाले हैं एंड देन एक टोल नाका हुआ है बिकॉज एक हमारा राइडर जो है वो उधर ही रुका हुआ है हमारे लिए। ही गॉट मिक्स्ड अप विद अनदर ग्रुप, इधर 3-4 ग्रुप्स का ये मिक्सचर है इसलिए। तो हम लोग अभी निकलेंगे और फिर देखेंगे आगे जाके। मैं आज टेल करने वाला और ये देखो ये नज़ारा, ये नज़ारा आपने बहुत बार देखा रहेगा, कातरच के साइड अंबेगांव के साइड पे है, बट बहुत सुंदर दिख रहा है। आई जस्ट होप कि ज़्यादा बारिश ना हो। मैं रेनकोट नहीं लाया हूँ आज, लास्ट टाइम भी नहीं लाया था, वैसे तो लाता ही नहीं हूँ। आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई हैव द गियर्स, उसमें ही मैं खुश है। ओ माय गॉड इधर बहुत गंदा क्रैश हुआ है। ओ हो एम्बुलेंस भी आई है। ओ शिट ओ शिट माय गॉड बहुत गंदा एक्सीडेंट, पूरी की पूरी अंदर चली गई वो गाड़ी। ओ शिट आई होप सब लोग ठीक हो। आई एम नॉट श्योर क्या हुआ है उधर, आई जस्ट होप के वो लोग दे आर इन गुड शेप। आई कुड सी अंकल के हाथ, आई थिंक हाथ को कुछ हुआ था, दैट मच आई नो, बट दूसरे कोई लोग उधर दिख नहीं रहे थे। जो बंदा मैं बोला था मिसिंग था वो ये रहा, ही इज़ हियर एंड आई थिंक ही इज़ वेयरिंग द राइनॉक्स का दैट। ओ ये भी गिर गया अंदर, राइनॉक्स का जो वो पैंट जीन्स पैंट आता है ही इज़ वेयरिंग दैट। इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू लाइक फाइंड आउट यार कि उसने राइडिंग जीन्स पैंट वगैरह पहना है या नहीं, वो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। बट ही इज़ वोन दोज राइडिंग जीन्स। गाइस तो हम लोग इधर पहुंच गए हैं फाइनली एंड
दिस इज द प्लेस विच आर टॉकिंग अबाउट. इधर बहुत सारे ऐसे मूवीज शूट हुए, बट वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज विच आर शॉट आउट योर वो स्वदेश. SRK का बहुत अच्छा उसमें रोल था, वेयर ही शोड द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन कंट्रीज एंड अपने इंडियन कल्चर जो है वो. एंड दिस इज द प्लेस वॉट आई टॉकिंग अबाउट, ये जो है चीज़. तो इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं. सो वी हैव अक्षय आउट हियर एंड ही नोज अ लिटिल बिट ऑफ दिस प्लेस, तो उसको थोड़ा पूछते हैं. अक्षय, तो तू क्या बोल रहा था ये जगह के बारे में कि ये कब का क्या था? नहीं, ये जगह क्या नहीं, जो मेन नाना फडणवीस है उनके बारे में बता रहा था कि उन्होंने, जैसे मुगलों ने जब भीमा शंकर टेम्पल को ख़राब किया था, डिस्ट्रॉय किया था, तब उन्होंने रिस्टोर किया था. प्लस बहुत सारे जो ये अपने अष्टविनायक के मंदिर हैं उनको रिस्टोरेशन या बनाने का काम उन्होंने किया था, बड़ा करने का काम उन्होंने किया. तो ये जो इधर है वो उनका ये है, करेक्ट? हवेली टाइप है ना उसका? तो इधर ही उनका हवेली है, नाना फडणवीस करके है. तो उनका ये महल या फिर आप बोल सकते हैं उनका ही ये हवेली है, बहुत साल पुराना है. एंड दिस इज़ नोन एज द, क्या था नाम, नाना फडणवीस घाट बोल सकते हैं या फिर उसको वही बोल सकते हैं हवेली. तो इट इज़ वेरी क्लोज टू पंचगिनी एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू पुणे. पुणे से सिर्फ 95 किलोमीटर्स है. एंड इधर आप देख सकते हो ये, एंड दैट इज़ द मंदिर राइट देर. तो इधर बहुत लोगों को ये जगह बिल्कुल, मतलब बहुत लोगों को बिल्कुल भी ये जगह के बारे में पता नहीं है, एंड इसलिए दिस इज़ नोन एज द अनएक्सप्लोर्ड प्लेस. एंड PMC ऑलवेज लाइक्स टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड, एंड हम लोग इसलिए इधर है. सो हम लोग अभी धूम डैम के तरफ जा रहे हैं, एंड दिस इज़ द रास्ता विच इज़ रियली गुड. एंड हमारे चार राइडर्स वापस घर के तरफ चले गए बिकॉज दे वर गेटिंग लेट फॉर अ मीटिंग संडे को भी. सो बिकॉज ऑफ विच, ओ हाय क्यूडी, बिकॉज ऑफ विच हम चार ही रह गए हैं. एंड टाइम हुआ है 11:30 ही. सो हम लोग सोचे कि 11:30 हम लोग निकलेंगे, 1 तक पहुँचेंगे, क्या ही करेंगे. सो वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू धूम डैम. थोड़ा अंदर, हाँ, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू धूम डैम. धूम डैम जाएंगे, उसके बाद वी विल हेड बैक होम. एंड आई थिंक उसके पहले अक्षय सिंह दैट देर इज सम दिस थिंग, क्या बोलते हैं उसको, मंदिर है किधर, तो भी तो मंदिर भी देखना है. आई एम नॉट श्योर मंदिर किधर है, अभी फ़िलहाल तो मुझे इतना ही मालूम है धूम डैम का बैक वाटर्स जा रहे हैं. सो वो जो मंदिर था उधर, वी आर नॉट अलाउड टू टेक एनी वीडियोज़, और आई मीन फोटोज़ ही अलाउड थे, वीडियोज़ अलाउड नहीं थे. इफ़ यू डू वॉन्ट टू और डू विश टू टेक वीडियोज़, यू विल हैव टू टेक परमिशन, और परमिशन के लिए तुमको 5,000 रुपये लगते हैं परमिशन लेने के लिए, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो हमारा कुछ हुआ नहीं उधर, आई मीन कुछ हुआ नहीं एज इन वी आर नॉट एबल टू टेक एनी वीडियोज, फ़ोटोज़ लिए हैं बट कितने ही फ़ोटोज़ लेंगे ना, तो थोड़े 2-4 फोटोज़ लिए. बट इट वॉज़ अ रियली ब्यूटिफुल प्लेस, पीसफुल, रियली नाइस. थोड़ा वीडियो लिया है वो तो आपको दिख ही जाएगा ऑफकोर्स. तो अभी हम लोग जा रहे हैं धूम डैम. धूम डैम में थोड़े और वीडियोस लेंगे, धूम करेंगे, एकदम धूम मचा ले. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस. हमारे चार राइडर्स अमन, ओबू, वो नया बंदा है, उसका नाम ही भूल जाता हूँ मैं. ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो. एवरी टाइम. एंड उसके आगे अक्षय, हिमालयन आरी 450, पार्ट टू ऑफ दिस एक्सप्लोरेशन ड्राइव टू धूम लेक बैक वाटर्स. एंड आई थिंक वी हैव रीच द राइट स्पॉट, क्योंकि ये दिख रहा है कुछ अच्छा स्पॉट. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वो है? हाँ हाँ, जब हमने फोटो खींचा था तो पानी अंदर था. वो पेड़ दिख रहे ना, उसके भी आगे जाके गाड़ी लगाई थी हमने. पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया ऐसा लग रहा है. हाँ, बारिश हो गई ना, हम लोग बारिश से पहले गए थे.
बट यहाँ से फुल व्यू आता था। थोड़ा सा आगे जाके कर सकते हो? किधर? नहीं वो वहाँ से। अच्छा वैसा? हाँ ये बीच में नहीं आएगा फिर। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहे हाँ। तू उतर गया ना, तो अब काय को पूछ रहा। व्हाट्स अप गाइस, तो मेरे पीछे वैभव और अक्षय दोनों हैं, एकदम मस्त पेकी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। एंड आपको व्यू दिखा देता हूँ, दिस इज द व्यू। ये है धूम लेक या धूम डैम, वो साइड पे है एंड वी आर राइट अपोजिट इट। और हम लोग एक पहाड़ पे चढ़े हुए हैं हमारे बाइक्स के साथ। आप देख सकते हैं उधर वैभव की बाइक है एंड हम लोग इधर फोटो शूट मस्त कर रहे हैं। क्या मज़ा आ रहा है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू जस्ट से के जो लोकेशन एक्चुअल लोकेशन पे हम लोग गए थे उधर वीडियोस और उसे फोटोज अलाउड थे, वीडियोस बिल्कुल अलाउड नहीं था। अगर वीडियो लेना है तो 5000 का तुमको ये देना पड़ेगा एज अ क्या बोलते उसको फीस। हाँ जो अक्षय बोल रहा, फीस या फिर परमिशन लेनी पड़ती है और उसके लिए 5000 का तुमको पावती फाड़ना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ टर्न ऑफ एट दैट टाइम। हमको लगा कि मस्त वीडियोज़ वगैरह निकलेंगे बट वो हुआ नहीं, बट इट्स फाइन, जो हुआ वो सो हुआ। बट वी आर एन्जॉइंग दिस व्यू राइट नाउ। और आप जैसे देख रहे हो ये फोटोग्राफी के महाशय मस्त फोटोज़ ले रहे हैं। हर 2 मिनट पे गर्लफ्रेंड के साथ बात करने चले जाते हैं किधर, तो भी मालूम नहीं किधर। ये 2 मिनट के लिए डिप्रेशन में चला गया था और एक बंदा है वो तो डिप्रेशन में मालूम नहीं किधर भाग गया, और उसका नाम ओबू है। हम लोग उसको प्यार से ओबू बुलाते हैं बट अभी प्यार नहीं रहा है तो हम लोग उसको ओबू ही बुलाएंगे, जाने दो, क्या ही करना है अपने को। सो आई जस्ट वांट टू से दैट दिस वाज एन अमेजिंग डे एंड इधर ही हम लोग व्लॉग एंड कर देंगे। तो गाइस आ जाओ व्लॉग एंड करते हैं अभी इधर ही। और एक बंदा है बट वो मालूम नहीं किधर गायब हो गया है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय PMC, जय PMC, अरे ये वापस जय PMC, Molly, yeah, yeah.